श्रीमद् भागवत पुराण तृतीय स्कंद में अथ विंशोध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि के वर्णन में शौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर संभव मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य स्वत थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उनने कुशाव्रत क्षेत्र अर्थात हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा। सोजी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सोजी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए, प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत पान करते करते तृप्त हो जाए। नमी शरणवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उक्त शिरवा सूत जी ने भगवान जी में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वरा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसा तल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही त्रिस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, भ्रमण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बताइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मृची आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मृची आदि मुनीश्वरों ने और संभव मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल इन तीन हेतुओं से तथा भगवान जी की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से वैकारिक सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान जी की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वरण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कर्णब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान जी ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दधिप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसी रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े।
और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षो, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्हें क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से काम असक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामी होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। ये देखकर पहले तो वे हंसे, फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देखकर भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय के जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस शीर को त्याग दो। भगवान जी के यो कहते ही उन्होंने वह शीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकृत हो रहे थे, उनकी आंखें मतवाली हो रही थी, और कमर करधनी की लड़ी से शोभित सजीली साड़ी में ढकी हुई थी। उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उनकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी, तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराते ही असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावनों वाली से शोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो ये कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपनी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक कहा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का ये बेमिसाल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले, तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम गेंद से खेलती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता, तुम्हारा कटी प्रदेश भार से थका सा जाता है, और तुम्हारे निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केशवास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन और बार बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं।
जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाचारी आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से सांध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और संध्या गणों को क्रमशः पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वे अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किमभ्रुष उत्पन्न किए। उन्हें ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया, इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग उत्पन्न हो गए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय उन्होंने अंत में अपने मन से मनुओं की सृष्टि की, ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवा गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना हविर्भाव ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उसमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे विंशोध्याय। विदुर जी ने पूछा, भगवान, संभव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी, अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मन, आपने कहा था कि संभव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीप वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था और उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए, मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, ये सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजन उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजो में थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थी। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से शोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सर में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा और आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल शोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने स आनंद
हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रमन चित से हाथ जोड़कर सुंदर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगीजन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विशेष सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ ये लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा उपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषय आसक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासा आदि दे धर्म को शांत करते रहते हैं। प्रभु, ये कालचक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत शल पन आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चतुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। ये अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को हिलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार करके उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला पंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विशेष सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अविलक्षित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको 12 बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की बौहें प्रणव मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उससे अमृतमय वाणी से कहने लगे। श्री भगवान जी ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट शंभो मनु ब्रह्म आयुवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या उस समय इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम श्रद्धा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण,
गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भायरा के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह अपने गर्भ में धारण करके 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि और ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने में शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म ज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभिदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंशकला रूप से तुम्हारे तेज द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से गिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। भगवान जी के वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए विंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवार, इधर मनुजी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शांति प्रायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ ये बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। ये तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याण में और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उसमें बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भोरे मंडा रहे थे। उन्मुक्त मयूर अपने पिच फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कोह कोह करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंड, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिन, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदि राज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शीर से बड़ी तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान जी के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए करण अमृत रूप सुंदर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल मनोहर थे, सिर पर जटाएं शोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना स्थान पर चढ़े हुए महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज शंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा स्मरण करके उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं,
इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मनियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घर घराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करें तो चोर डाकू भगवान जी की बनाई हुई वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषयों के लालची निरग अंकुश मानव द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो ये लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उस निवृत्ति प्रायण मुनि से कुछ सचा कर कहा। मनु ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विश्व में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पितृवाणी कान खोल कर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की ये प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। ये मेरी कन्या जो प्रियवत और उदान पात की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। ये ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग सता प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषय असक्त की तो बात क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं, नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। मुनिवृत्त स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। पहला ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, 4 प्रजापत्य, 5 आसुर, 6 गंधर्व, 7 राक्षस, 8 पिशाच।
इसमें पहला सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है, तो वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो गृम्भनामी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ संतान उत्पादन रूप मनोरथ है, वे आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाजेब मधुर झंकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये तो साक्षात आप महाराज श्री शंभु मनु की दुलारी कन्या और उतान पाद की प्यारी बहन तथा ये रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साधी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूँगा। इसके बाद भगवान जी के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें ये लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से ये जगत स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्र जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा राजकुमारों की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहलचित होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर करदम से पूछकर उसकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सस्ती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्म आयवर्त की प्रजा को ये समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत और बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मति नगरी मनुजी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शीर कपाते समय श्री व्रवा भगवान जी के रोम झड़कर गिरे हुए थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वरा भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहिष्मती पुरी में मनुजी निवास करते थे, उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहाँ अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनुजी उनमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे
इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत प्रायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जानते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं तथा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहते हैं, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक तथा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं? मनुजी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन किया, जो मनुष्य संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जबकि सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे, ये मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्थी जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रुवा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वे उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेमगत वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारा उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने का भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद सरो विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे उनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, देवहूति ने कहा, दीप श्री स्वामीन, मैं ये जानती हूँ कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ ग्रस्त सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बुराई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए।
तो मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। ये विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों के उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणि में खंभों से शोभित था। वे सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिस पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियाँ थी, उनके द्वारों में हीरों के किवाड़ लगे थे। इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरों की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आँखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी वंदन वारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उनमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं को प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उसमें बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी, उसके सिर के बाल चिपके जाने से उसमें लटे पड़ गई थी, शीर में मैल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था के थी और उनके शीर में कमल सी ही गंध आ रही थी। देवहूति ने देखते ही सब स्त्रियां सहसा खड़ी होगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें। तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देव आहुति को स्नान कराया और उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने वे बहुमूल्य के बड़े सुंदर कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन, पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वे भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उनके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमरों में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मनियों के हार से, अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि से, मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर बोहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शीर्ष स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था
उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर बहुत ही सुंदर लग रही है। हजारों विद्याधारियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शेर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमत के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास करके उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। वे घाटियां आठों लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है। तथा तो श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने के मंगल में ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देव उद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमार और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए, जिन्होंने भगवान जी के भव भे हारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है। उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी इस सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रीत होता है अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को नौ रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शिया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती ही देवहूति को इतना काल कुछ भी नहीं जान पड़ा। इस प्रकार उस दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष तक विहार करते हुए भी बहुत काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी जब सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उससे देख तथा भगवान जी के आदेश को स्मरण करके उन्हें अपने स्वरूप के नौ विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र जित से अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उनके गर्भ में तेज स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ नौ कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पति देव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अतिर मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को क्रेत रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णता निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभेदान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोग में बीता है वे तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में असक्त रहकर आपसे अनुरोध किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है वही सत पुरुषों के साथ किए जाने वाला असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है, ना भगवान जी की सेवा ही संपन्न होती है, वे पुरुष जीते जी मृत के समान है। अवश्य मैं भगवान जी की माया से बहुत ठगी गई जो आप जैसे मुक्तिदाता पति देव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे
कपिल उपाख्याने 23 अध्याय श्रीमद् भागवत पुराण तृतीय स्कंद श्री कपिल देव जी के जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से शोभित मनोकुमारी देव आहुति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद मत करो। तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम नियम तप और दान आदि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान जी का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देव अहुति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के तेज का आर्शेले उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से गिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मृची आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी, सतत सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को ये मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्व में अंश से अवतीर्ण लिए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपने संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीची आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है उसके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देव आहुति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र, कमल अंकित चरणों वाले शिशु के रूप में कैटबा स्वरूप का को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल उच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी से स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक वे तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि को साथ लेकर हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुयात्री को, श्रद्धा अंग्रा को और हवीर भू प्लस को समर्पित की। प्रलय को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की।
अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। इस प्रकार विवाह जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषयों के लालचियों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा श्रद्धा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर और श्री इन छियों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति पुरुष मैं तत्व काल त्रिविधंकार समस्त लोक तथा लोक वालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं, अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है, इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। इस लोक में मेरा ये जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का ये सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने ये शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ, अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे ये संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्र जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र श्री भगवान जी की शरण हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निशंक भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत हैं, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा लिया। वे अहंकार ममता सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित होकर सब में अपने आत्मा को देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत होगी। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाग के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान जी का परम पद प्राप्त कर लिया।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेय चतुर्विंशोऽध्याय।